मोबाइल मेडिकल यूनिट शिविर स्थल का महापौर ने किया निरीक्षण। इस दौरान हितग्राहियों से चर्चा कर इस योजना की तारीफ करी, साथ ही स्वयं भी कराई अपने स्वास्थ्य की जांच। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से शहर की जनता को घर पहुंच निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिलाने वाली इस योजना का बुधवार को महापौर धीरज बाकलीवाल ने सभापति राजेश यादव, MIC अब्दुल गनी, संजय कोहले, ऋषभ जैन के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से लग रहे स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया, जिसके तहत दुर्ग के शिक्षक नगर में पहुंचकर महापौर ने हितग्राहियों से बात की। वहीं हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस योजना की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मोबाइल यूनिट में जांच व इलाज के लिए रिपोर्ट के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता है, तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है, निःशुल्क इलाज जाँच हो जाता है। निरीक्षण के दौरान महापौर धीरज बाकलीवाल ने चिकित्सकों से दवाइयों के स्टॉक की तथा किस प्रकार की दवाइयों का वितरण अधिक किया जा रहा है उसकी जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने सिस्टम और बैठक व्यवस्था समुचित तरीके से करने के निर्देश भी दिए और कहा चिकित्सकीय स्टाफ अपने निर्धारित समय पर शिविर में मौजूद रहें। स्वास्थ्य शिविर में लोगों का गजब का उत्साह देखते ही बना। रिपोर्ट के लिए इंतजार की आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य शिविर में शुगर, हीमोग्लोबिन, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुपिंग एवं अन्य आवश्यक जांच के लिए रक्त परीक्षण कराने के उपरांत कुछ ही समय में मरीजों को रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात उन्होंने कही। वहीं रक्त परीक्षण उपरांत बहुत अधिक समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद महापौर धीरज बाकलीवाल और सभापति राजेश यादव व MIC प्रभारी अब्दुल गनी ने भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। और तरफ है कि शिविर में अनुभवी चिकित्सकों के अलावा लैब टेक्नीशियन भी उपलब्ध हैं, जो लैब में टेस्ट कर इसकी रिपोर्ट मरीजों को शीघ्र उपलब्ध करने कार्य कर रहे हैं। महापौर ने बताया कि अब तक 1,24,000 लोगों का इलाज मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से लग रहे स्वास्थ्य शिविर में इलाज हो चुका है। निगम दुर्ग में 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट शहर के स्लम क्षेत्र में संचालित हो रही है। प्रतिदिन अलग अलग स्लम क्षेत्रों में लगने वाले स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोग सुबह से पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं। वही नोडल अधिकारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। लगभग 40 प्रकार की जांच इसमें निःशुल्क होती है और दुर्ग शहर में लगभग 1,24,000 हितग्राहियों ने इसका लाभ ले चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग अस्पतालों में चक्कर काटते थे, अब वार्ड वाइज शहरी स्लम की जो गाड़ियाँ हैं, जो हमारी मोबाइल यूनिट है, वो वार्ड वाइज जाके हितग्राहियों की जांच करती है, वहाँ उन्हें प्रॉपर इलाज करती है। मैं यहाँ अभी कुछ हितग्राहियों से बात किया, वो बहुत ही संतुष्ट है और लगातार इनकी दवाई जो यहाँ के उपचार से इनको फ़ायदा भी मिल रहा है। ठीक है, और क्या फ़ायदा मिल रहा है लोगों को? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एक अनुकरणीय कदम है, आम जनता के हित में कदम है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से MMU जो हमारी गाड़ी नगर निगम के माध्यम से शहर के 4 कोनों में 4 गाड़ियां जाती है और विभिन्न प्रकार की जांच निःशुल्क और निःशुल्क दवाइयों का वितरण के माध्यम से आम जनता लाभान्वित हो रही है। लगभग हमारे दुर्ग शहर में अभी तक की 1,25,000 से ऊपर लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और मैं समझता हूँ कि जो भटकाव है स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर गरीब जनता को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है और मुख्यमंत्री जी की इस योजना का जनता की तरफ से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।